लास्ट डे का तो आप लोगों ने देखा था कि मैंने किया था एक हाई लेवल इगोनियडन को टेम। उसके बाद मैंने ये वाला तेरी कॉपी कलर करना स्टार्ट कर दिया था और उसको इम्प्रिंटिंग भी करने वाली हूँ, मतलब कर जा रही हूँ। तो बीच बीच में सारी चीजों को भी करना पड़ेगा और आज मैं बनाने वाली हूँ मतलब भ्रंटो का एक बच्चा, ठीक है। तो जो भी हो सारी चीजें करेंगे, उससे पहले हेलो टियर्स गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हरिका आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ एयर के मोबाइल ब्रिटल सीरीज। तो जैसे कि इधर पे मुझे दिख जाती है 345 लेवल की एक डोडो। तो आप लोगों को नहीं पता कि मुझे क्यों डोडो चाहिए, बट उसको मैं दिखाऊंगी, कोई ना कोई एपिसोड में जरूर दिखाऊंगी। बट अभी इसके पहले ना मैं कर लेती हूँ उसको टेम, ठीक है ना, क्योंकि ये भाग जाएगी तो मुझे इतने हाई लेवल की डोडो मिलना थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। तो बराबर से इसको पहले ना अनकॉन्शियस कर दे, ठीक है। ओके, तो चलो फाइनली ये तो अभी हो चुकी है अनकॉन्शियस। तो फटाफट से इसको अंदर में हम दे देने वाले बहुत सारे बेरीज, क्योंकि ये वाला डोडो का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, जिस कारण इसको टेम होने के लिए बहुत सारी बेरीज की जरूरत पड़ने वाली है। और हाँ, इसको भाई अनकॉन्शियस रखने के लिए ना काफी सारा नार्कोटिक की भी जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली बड़े डोडो मतलब बड़े जो होता है ना, बड़े लेवल की, उसको करने के लिए थोड़ा सा तो जरूरत पड़ेगी। तो इधर ही बिस्तर लगा लेते, क्या बोलते हो, क्योंकि आज तो मैं घर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि इसको छोड़ के। तो बड़ा बस इधर पे एक बेड भी लगा लेते और इधर पे ही मैं सो जाती हूँ। एक सेकंड इसको देख लेती हूँ, चलो ठीक है 41% तो नार्कोटिक, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो चलो बड़ा बस इधर पे ना खाना पीना खा के एकदम बिंदास हो जाते और सुबह उठ के बाकी का काम करेंगे। अगर देख लेते तो सुबह सुबह मैं तो उठ जाती हूँ और इधर पे देख रही हूँ कि 85% 86% जैसे कुछ। चलो तो फाइनली इधर पे 100% हो भी जाती है और अभी ये हो चुकी है 435 लेवल की एक फीमेल डोडो है। वेट अ मिनट, हाँ इस सारे बिस्तर वगैरह सारे को मैं फिर से उठा लेती हूँ, क्योंकि और कहीं पे जाके मुझे अगर बनाना पड़ेगा तो उससे पहले मैं इस जगह को ना घेर देती हूँ। और पता है क्यों, आप लोगों को पता नहीं, मुझे पता है क्योंकि मैंने और दो डोडो इधर पे टेम किया था, एक फीमेल है और एक मेल है। तो दोनों को मैं इधर पे रख के जाने वाली हूँ और बाद में दिखाती हूँ इससे मैं क्या करने वाली हूँ, वो सब बाद में करेंगे। उससे पहले इन लोगों को एक एकदम सेफ एंड सिक्योर करके हम इधर से जाने वाले, ठीक है। इसने अंडा दिया क्या, एक सेकंड, हाँ यार इसने अंडा दिया, रुको एक सेकंड, इसका अंडा हम इधर से ले लेते। तो चलो इधर पे इन दोनों को रख के हम इधर से निकल जाने वाले हैं। तो अभी इधर पे भाई दरवाजा बंद हो जाए यार। तो चलो इधर पे मैं आप लोगों को, रुको एक सेकंड, मेरा इधर पे जो ये जो मंकी है उसको ले लेते और अपना आरजी को लेते और उसके साथ अपना 345 लेवल की आई मीन जो अभी 400 के अब हो चुके उसको भी लेके इधर से भागते हैं, मतलब घर की तरफ चलते हैं, ठीक है। और बाकी जो दो डोरो उसको मैं इधर पे ही रख दिया हूँ, उसको बाद में हम देखेंगे, उसका कुछ अलग से उपाय करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों इधर है और इसको चलो उठ जा भाई। तो चलो अभी इधर से हम दोनों मतलब हम तीनों मिलके, आई थिंक चार है ना, तो चलो अभी घर तो आ चुके हैं। रहते ही देखते ये चाह रहा है मतलब ये मांग रहा है अभी डोडो का की बेल। तो बराबर से हम इधर से निकल लेते डोडो का की बेल। तो अभी इधर से मैंने ले लिया शेफ स्टेशन से, अभी बराबर से इसके जाके इसको हम इसको खिला देने वाले, ठीक है। तो अभी फटाक से एकदम देते हैं, देने के बाद चलो फिट करा देते हैं। चलो तो अभी देखो ये भाई भाई रुक जा ऐसे मत कर यार। तो चलो इधर पे मैं अपना जो डोडो जो नियम वाला डोडो है उसको लेके मैं अपना जो छोटा छोटा एनिमल्स है उसके साथ में रख देती हूँ। तो अभी इधर पे इसको रख के मैं इधर से अभी जाने वाली हूँ इधर पे जो ब्रॉन्टो को लास्ट डे को मैं इधर पे जकड़ के रख के आई थी उसको आज करना है हमको टेम, ठीक है। तो बराबर से इधर पे तो चली आती हूँ, तो फटाक से एकदम बेड को लगा देते इधर पे। चलो तो अभी इधर पे बेड लगा देते, एक सेकंड लग जा भाई जल्दी से भाई, इतना ज़्यादा परेशानी होती है ना कि मैं क्या। ओ शिट शिट, ये कब आया भाई, हेलो रुक जा भाई सर, ये मतलब ये रैप्टर वगैरह ना हमेशा इतना एनोइंग होती है ना भाई। 255 भाई मर जा यार मर जा, मेरे को मत काटना भाई, मेरे को एक चीज़ से बहुत डर लगती है जब जकड़ लेता। ओ शिट यार भाई छोड़ दे यार, शिट छोड़ भाई। तो चलो फाइनली इतना तक तो भाई हो चुकी है, मेरे को बहुत ज़्यादा ये सब मतलब इतना अनोइंग लगते ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो काम करती हूँ बेट को ना मैं थोड़ा दूर पे लगाती हूँ, क्योंकि पता है आप लोगों को, क्योंकि देखो पहली बात तो ब्रॉन्डो का जो पुच्छी है बहुत बड़ा है, तो इसको जब मैं एक्टिव करूँगी मारूंगी तब तो ये बहुत मारेगा मेरे को। तो इस कारण मैंने इसको दूर पे ही लगाया और काफ़ी रात पे मैं आ जाती हूँ फिर से एक बार और इसको एक्टिव करने के लिए मैं इसको मारने वाली हूँ, मार के फिर मैं सो जाऊँगी, ठीक है। तो चलो इसको मार दिया, अभी चलो भागते हैं, चल 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 भाई भाग जा। तो चलो इधर पर मैं जाके वैसे सो जाती है, सुबह उठ के मैं इसको अनकॉन्शियस करूंगी उसके बाद इसको टेम करूंगी, उससे पहले खाना पीना खा के एकदम बिंदास सो जाते हैं, ठीक है। तो चलो बड़े बस इधर पे मैं तो सो जाती हूँ, सुबह सुबह मैं इसके पास आ जाती हूँ और ये अभी भी गुस्सा है। रुको एक सेकंड, इस बेचारे को मैं उठा लेती हूँ नहीं तो कौन मार देगा। तो फटाफट से इसको अभी करते हैं टेम, ठीक है। तो फटाफट एकदम इधर पे मैं मार रही हूँ, अभी मेरे पास कुछ 289 जैसे और बची हुई है, मतलब ये एक्चुअली
तो अभी देख लेते हैं कि इसको टेम करने के लिए मुझे एग्जैक्टली कितना ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले मैं डायर बेयर को बुला लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बेरीज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए डायर बेयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो देख लेते हैं कितने देर में ये होता है इस बार अनकॉन्शियस। ठीक है, तो अभी देखो इधर पर मेरा तो इधर पर जो बंदूक थी वो हो जाती है ख़त्म, तो फिर से और एक बंदूक को मैं निकाल लेती हूँ। इधर पर दो बंदूक जरूर रखना आप लोग, क्योंकि भाई साहब ये ब्रोंटो टेम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब अनकॉन्शियस होना ही नहीं चाहती इतना ज़्यादा। भाई चलो फाइनली, तो चलो अभी देखो 160 मतलब 289 थी, तो अभी हो गया है। अभी देखो ये भाई साहब देखो, अभी एक सेकंड रुकना ज़रा, इसका फूट तो चलो जीरो पे ही है, तो बराबर से चलते हैं। चलने के बाद मैं इधर से जुगाड़ कर लेती हूँ बहुत सारे बेरीज को, तो अभी इधर से देखो फटाफट से मैंने इधर से बहुत सारे बेरीज को कलेक्ट कर लिया, तो अभी लगभग कुछ पोर्शन तक ही हुआ यार, मेरे को लगभग बहुत सारा हो गया। चलो फटाफट से इधर से जितने भी सारे बेरीज मुझे चाहिए थी मैंने थोड़ा बहुत ले लिया, अभी फटाफट इधर पे ब्रोंटो के अंदर दे देते, उसके बाद हम इधर से निकल जाएंगे। ठीक है ना, उससे पहले मैं देख रही हूँ भाई साहब बहुत ही कम बेरीज हुआ है, इतना से इससे काम नहीं बनेगा, और भी बेरीज मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैं इधर पे आ जाती हूँ जुगाड़ करने, बट इधर पे इतनी सारी डिलोस वोसरस का अटैक होता है, इधर पे पाँच या छः जैसे कुछ ड्रेस वोसरस का अटैक होने वाला है। देखो जैसे कि अभी देखो इधर पे मेरे को कितने सारी डिलोस वोसरस अटैक कर रहे हैं भाई साहब, एक सेकंड है वो भाई, इधर आ जा जल्दी, आ जल्दी मर भाई, मेरे को इधर से जाने दे। तो बराबर से इसको तो चलो मार दिया, बट मुझे लग रहा है मुझे कोई और भी काट रहा है। यस यार, मेरे को लग ही रहा था भाई पीछे कोई मतलब कहीं पर तो मार रहा है भाई, मेरे को लग ही रहा था। तो चलो इसको भी मार दिया मैंने, अभी इधर पे यही एक झमेला का होता है और कुछ नहीं। तो इधर पे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो मैंने इधर पे अपना शूट भी बना लिया। ठीक है ना, तो देखो अभी पैर का हाथ का और अभी जस्ट शूट ही बना पाई हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि सारे ऐसे ने ना क्या पता नहीं क्या था, तो जिस कारण बहुत बहुत चीज़ें लग रही थी। तो अभी मैं इसके ऊपर चढ़ गई हूँ, तो एक चीज़ आप लोगों को मैं आज दिखाना चाहती हूँ, जो गलती मैंने किया आप लोग बिल्कुल मत करना। ये मैं इधर पे ना इसके ऊपर चढ़ के खड़ी थी, ठीक है, तो अभी जैसे ये मतलब ये टेम होकर एकदम एग्रेशन में आ जाता है, तब मैं इतना ज़्यादा भयानक तरीके से इधर पे जकड़ जाती हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ भाई साहब। इधर पे मैं जकड़ गई थी, मैं ना आगे जा पा रही हूँ ना पीछे, ना मैं बाहर भाई कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं इधर पे स्टाक हो चुकी थी। मैं सोच रही थी भाई साहब इधर पे अगर रिस्टोर करने जाऊँगी मैं, तो फिर से मेरे को एक बार एकदम पहले से खेलना पड़ेगा भाई, मतलब मैं कैसे करूँ, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रही थी उस मोमेंट में, मैंने क्यों किया इतना, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा चले रहे थे ना हमेशा कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, तो देखो अब क्या हो गया। तो मैं अभी इधर से बाहर कुछ भी करके निकल नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो ऐसे तो नहीं निकल पाऊँगी, क्योंकि देखो इधर से देखो इसका ब्लीडिंग हो रही है, फिर भी ये मतलब मेरे को मतलब बाहर ही नहीं जाने दे रहा है। मैंने बहुत कोशिश किया, जंप लगाया, सारी चीज़ें का मैंने यूज़ किया, फिर मैंने सोचा बुलाते अपने आरजी को, अगर वो ही बचा पाएगा, तो मैंने बुलाया आरजी को। जैसे ही आते मैं फटाफट से उसको क्लिक करके निकल जाती हूँ। ये वाला गलती बिल्कुल मत करना जो मैंने किया, किसी भी अगर एनिमल टीम हो रहा है तो उसके ऊपर मत चढ़ना यार, बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाले हो आप लोग। तो इधर पे मैं जनरेटर को खोल लेती हूँ, बट जनरेटर बनाने के लिए मेरे पास इतना सारा चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है, तो हटाते यार ब्रोंटो का इधर पर शेडल में बना लेती हूँ। और एक सेकेंड यार, अभी मुझे एक सेकेंड यार, इधर पे मुझे ना चाहिए था केबल, ठीक है, तो अभी मैंने इधर पे ट्राइक का केबल मैं इधर से निकल लेती हूँ। ठीक है, तो फटाक से एकदम आ जाते हैं, और आने के बाद एक सेकंड रुकना ज़रा, ये भाई साहब को मेरे को खिलाना है। तो अभी कुछ एक मिनट जैसे बाकी था, तो मैंने वेट किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद देखो दिया रहा है कि ट्राइक केबल का एक मतलब ट्राइक के एक का केबल चाहिए, तो मैं इसको देखे फिर से एक बार फिट करा देती हूँ। जैसे ही फिट करा देती हूँ देखो ये नाचने लग जाता है, बट तीन का तीन केबल ही अवेलेबल रहती है, सच बता रही हूँ। फीड में क्लिक तो करती हूँ, इसका काम भी हो जाता है, बट केबल भी सारे बच जाते हैं। तो फूड आप लोग दे के रखा करो, तो केबल यूज़ नहीं होती है सीरियसली, मतलब फीड पे क्लिक करने के लिए देता तो है बट यूज़ नहीं होती है। तो अभी इधर पे मैं लेके आ चुकी हूँ ये दोनों ब्रोंटो बाबा जी को, तो अभी इधर पे मैं जो करने वाली हूँ, मतलब एक सेकंड, सारे जगह देखो इधर पे जितने भी सारे पेड़ पौधा है सारे को कैसे तोड़ रहा है। तो अभी इन दोनों को रखने के बाद मैं इन दोनों को बिल्कुल इसी तरीके से गोल गोल करके घेर देने वाली हूँ, क्योंकि ये लोगों का अगर मैं एनेबल वंडरिंग को कॉल करूँगी, मतलब कॉल नहीं सॉरी मतलब ऑन करूंगी, तो ये दोनों नाचने लग जाएगा, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी। तो चलो अभी देखो कुछ इस तरीके से, तो ये लोग जकड़ गए, मैं एकदम सुबह सुबह इन लोगों को ऐसे करके रख दिया हूँ, तो इस कारण मुझे ठीक ठाक से दिख भी नहीं रही है, इतना ज़्यादा अंधेरा होके रखा हुआ है ना इधर पे, मैं क्या ही बताऊँ। तो देखो बिल्कुल इसी तरीके से जकड़ दिया मैंने, ठीक है, गोल करके। तो चलो अभी ना वंडरिंग को कर देते हैं ऑन, देख लेते हैं इस बार ये लोग एक देते या फिर ये लोग डायरेक्ट इधर पे बेबी देने वाले हैं, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो अभी देखो इन लोगों का देखो लव स्टार्ट भी हो चुकी है,
अब इन लोगों का मैच्यूरेशन भी होने को एक सेकंड देख लेते, हो तो रही है इधर पे, ये लोग तो बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते, जितना मुझे पता है इधर से बाहर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो अभी देखो ये भाई सब घूम के बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे। तो मेटिंग प्रोग्रेस इज 42% रनिंग, तो लेट्स सी तो ये लोग कैसे, मतलब कैसे, मतलब इतना जल्दी, मतलब एक जो भी हो। तो अभी इधर पे चलो फटाफट से देखो, इधर पे एक दिया इन लोगों का, कोई भाई साहब बेबी बेबी नहीं हुआ, डायरेक्ट इन लोगों ने एक दिया। तो चलो उठाते हैं इसको एक को और लेके चलते हैं अपना, मतलब जो कैंप फायर वगैरह है उधर पे। उससे पहले मैं इन दोनों का इनेबल वेंडरिंग को भी ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ ये दोनों नाचे कंटिन्यू और फिर ग्लिच के कारण ये लोग बाहर निकल जाए। तो चलो अभी फटाक से चलते कैंप फायर के पास और रुको एक सेकंड, भाई साहब कितना बड़ा है यार ये, कितना बड़ा है। तो चलो यार इधर पे मैं सारे इधर पे जितना भी इधर पे कैंप फायर थी सारे को इधर पे मैंने देख के ऑन तो कर दिया, बट फिर भी टू कोल्ड दे रहे हैं। तो चलो और एक इधर पे जला देते हैं। तो चलो इधर पे चार चार कैंप फायर को मैंने जला दिया, फिर जाके कुछ इसका टू कोल्ड से नॉर्मल पोजीशन में आ चुका है। तो लेट्स सी कितना देर में ये होता है। तो अभी बहुत देर तक वेट करने के बाद अभी बस 6 सेकेंड जैसे बाकी है। तो माई गॉड यार फाइनली इतने, मतलब इतने सुंदर, मतलब चलो यार कितना छोटी है यार, चलो क्लेम कर। उससे पहले इनेबल वेंडरिंग को भी ऑफ कर देती हूँ और एक सेकंड यार इसको खाना वाना देना पड़ेगा एक सेकंड। और उससे पहले मेरे को चाहिए, इसके लिए मैंने सोचा है पर्पल कलर खरीदूंगी, तो मैं फटाफट से इधर पे 20 एम्बर देके इधर से मैंने एनर्जी वगैरह सारे खरीद लिया, मतलब एक्सट्रैक्ट खरीद लिया, फिर मैंने पर्पल कलर वगैरह लेके इसको मैं अभी खिलाने वाली। ठीक है, तो जैसे कि मुझे आप लोगों ने बताया था कि 7 कलर इज इनफ, मतलब सफिशियंट फॉर वन स्मॉल, मतलब वन क्रिएचर है ना। तो जो भी हो, तो अभी मैं काम करती हूँ इसको फटाफट से, मैंने एक तो खिला दिया, अभी मैं 7 ही खिलाने वाली हूँ। पहला मैं 7 इधर पे क्या बोलते हैं इसे, पर्पल कलर है ना, पर्पल कलर को 7 खिलाने वाली हूँ इधर पे, और फिर जाके मैं इसको जो करने वाली हूँ, मैंने सोचा साइन कलर ही दूंगी इसको भी। ठीक है, पर्पल एंड साइन में ही मतलब ये करूँगी। तो चलो लेट्स सी कि इसका कैसे होता है। तो अभी इधर पे मैंने 7 इधर पे देखो पर्पल कलर खिला दिया, तो अभी ये बिल्कुल इस तरीके से कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि काफ़ी सही दिख रही थी। अभी मैं खिलाने वाली हूँ इसको साइन कलर, बट एक सेकेंड यार ये कोई नजर वाला ही कलर लग रही यार। उसको मैंने ब्लू और साइन दिया था, देखो वो रहा, और इसको मैंने दिया पर्पल एंड साइन, तो लगभग सेम ही लग रही है कुछ खास। चलो सही यार, फिर भी मेरे को तो अच्छी लग रही है, बट ये ब्लू में क्यों कन्वर्ट हो गया, ऊपर में पर्पल के जगह ब्लू क्यों हो रही है यार, ये गलत सीन हो गया यार, ये तो गलती हो गया यार। मेरे को लगा था इसमें पर्पल एंड साइन आएगा, बट नहीं यार ब्लू में ही कन्वर्ट कर दिया। छोड़ो यार, इग्नेडन का शेडल इधर पे बना लेती हूँ। तो 30 पे मिल गया मेरे को इग्नेडन का शेडल, टेरर बर्ड का 33 पे मिला है। तो अभी इन दोनों को मैं फटाफट से जाके स्मृति पे बना लेती हूँ, स्मृति पे नहीं सॉरी ऐसे ही बन रही है। तो सारी चीज़ों का जुगाड़ करके मैं इधर पे दोनों का शेडल को बना लेती हूँ। ठीक है, तो अभी इधर पे बना भी लिया, अभी चलो फटक से जाके इग्नेडन को मैं इधर पे पहना देती हूँ। अभी चलो ये पहन भी लिया, अभी मैं इसको लेके जाने वाली हूँ थैच कलेक्ट करने। तो लेट्स सी अच्छा खासा ही कर रहा है, 60 जैसे 49 कुछ खास नहीं यार, इससे तो मेरा जो मंकी है वो ही ज़्यादा कर लेता है यार, सेम ही कर रही है, कुछ खास तो नहीं कर रही है। तो जो भी हो, अभी इधर पे टेरर बार्ट को भी मैं इधर पे पहना देती हूँ एक सेकेंड, इसको भी पहना के इधर पे एकदम लाइन में खड़े कर देंगे, एकदम साफ़ सुथरा रखेंगे जगह को। यार ये देखो सारे एनिमल्स को मैंने इधर पे खड़ा कर दिया, देखो कितना अच्छा दिख रही है ना। तो अभी इसका देखो ये थेरीसा नज़र का बोल रहा है कि एक इसको कडल चाहिए, तो फटक से इसको टैप करते हो, भाई से ऐसे आवाज़ मत कर यार, कैसे अजीब लगती है। तो चलो इधर पे इसका देखो इम्प्रिंटिंग में इतना ज़्यादा तो नहीं दे पा रही हूँ, तो अभी इधर पे मैंने फेब्रिकेटर में देखो फ्यूल को दे दिया। अभी मेरे को चाहिए 80 पॉलीमर, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला बेट चाहिए, बट पेल्ट इधर पे 200 लगने वाली है, जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं यार। और ये देखो मेरा पूरा ट्रूप, ठीक है, कैसा लग रहा है। तो अभी देखो अभी तक का तो मैंने इतने सारे टेम कर लिया, सारे चीज़ों को कर लिया, कितना सही दिख रही है यार देखो। और इधर पे देखो सारे एडिस वगैरह को मैंने रखा हुआ है, देखो इधर पे सारे खड़ा है, और इधर पे डोडिक्यूलस वगैरह भी है, उधर पे रैप्टर का नो सारे एडिस है इधर पे। तो अभी इधर पे भी बहुत ही ज़्यादा सही दिख रही है, और इधर पे मैंने सिर्फ 3 बर्ड इधर पे रखा हुआ है। तो इधर तक तो मैंने सारे चीज़ कर लिया, और इसका देखो अभी कडल करने का समय आ चुके, तो टैप करते हैं। और ओके, अभी इसको चाहिए पीटरोंडन की एक की बेल। यार रुको यार, इसका पीटोनडन एक का मैं इधर से निकाल लेती हूँ, ठीक है।
तभी फटाक से चलो इधर पे कहाँ पे है ढूंढ लेते, और एक सेकंड चलो मिल गई। तभी इसका पिटोडन का एक का कीबल भी मैं इधर पे ले लेती हूँ, और अभी देखो इसको चाहिए कडल फिर से, तो लेट्स डू दिस। तो चलो इधर पे मैंने, ओ भाई ऐसे मत कर यार, बहुत हंसी आती है मेरे को। तो चलो अभी बस देखो पूरा तो इम्प्रिंटिंग में नहीं दे सकती, तो इसको भाई साहब दे देते हैं पिटोडन वाला एक का कीबल, ठीक है। इसका फूड खत्म है यार, ये तो खा लेगा इस बार, रुको देखो ये देखो खा लिया। फूड देने के लिए मैं इसलिए बोल रही थी, नहीं तो खा लेता है यार ये लोग पता नहीं क्यों। तो अभी इधर पे मैं बहुत सारा इसको ना बेरीज दे देती हूँ, बहुत खाता है यार ब्रॉन्डो, बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ही बड़ा भुक्कड़ी। और इधर पे थ्रेजर का बस होने ही वाला है, तो मैं फटाफट से इसका शेडल भी इधर पे स्मृति पे आके बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं उसके पास जाके थोड़ा देर ही खाना बना रहना पड़ेगा, फिर जाके ये तो हो ही जाएगा, बस हो ही गया। और इससे पहले मैं थेरी का जो शेडल है उसको कुछ मैजेंटा कलर मैं सोच रही थी दे देती हूँ, क्योंकि इसका साया ने तो मैजेंडा अच्छी दिखेगी। तो देखो अभी ये हो भी गया है फाइनली, और इसको मैंने दे दिया शेडल। बट मुझे क्यों नहीं, मतलब इतना अच्छा नहीं लग रही है, क्योंकि पूरा कैसा कैसा दिख रहा है शेडल, अच्छा नहीं लग रही है ना। तो जो भी हो आज तो मैं इतना ही रखती हूँ, फाइनली मैंने थेरी को पूरा कर लिया है एकदम, टीम वगैरह सारी चीज़ें कर लिया, और ब्रॉन्टो का अभी भी बाकी है, और उसके बाद डोडो का भी बहुत सारी चीज़ें करना है, तो सारे बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है ना। तो बट आज नहीं, आज मैं जाती हूँ। होप यू गाइस आर रियली एंजॉयड माई वीडियो। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नई सी गेम प्ले की वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टाटा टेक केयर।